हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारे पास है IDFC फर्स्ट बैंक का वाओ क्रेडिट कार्ड। अगर आपको चाहिए एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जिसके लिए आपको ना कोई इनकम प्रूफ देना पड़े, या फिर मान लो अगर अभी तक आपका क्रेडिट स्कोर नहीं बना है या फिर थोड़ा खराब है, और अगर आपको एक अच्छा क्रेडिट कार्ड चाहिए तो ये वाला क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बिकॉज बैंक आपको ये जो क्रेडिट कार्ड इशू करती है वो फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में इशू करती है। मतलब कि अगर आप 2,000 रुपये का भी अगर आप फिक्स डिपॉजिट कर लोगे तो बैंक आपको ये क्रेडिट कार्ड इशू कर देती है, और आपको फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट भी मिलेगा। और आप जितने का भी फिक्स डिपॉजिट कराओगे, 2000 या फिर 2000 के ऊपर, मतलब जितने का भी आप फिक्स डिपॉजिट कराओगे, आपको 100% उसका क्रेडिट लिमिट आपको आपके क्रेडिट कार्ड में मिल जाएगा। एंड सबसे वाव चीज इस क्रेडिट कार्ड की है कि ये क्रेडिट कार्ड आपको बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री में बैंक आपको प्रोवाइड करती है। मतलब कि आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए ना कोई ज्वाइनिंग फीस देना है, ना ही इन फ्यूचर कभी भी आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए कोई एनुअल चार्जेस देने हैं। सो आज के वीडियो में सबसे पहले हम करने वाले हैं इस क्रेडिट कार्ड की अनबॉक्सिंग, उसके बाद हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहां बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में, इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में, और इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो पहले आप इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि यह क्रेडिट कार्ड आपके लिए काम का है भी या नहीं। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके लिंक पर क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, आपको यह क्रेडिट कार्ड बहुत ईजिली मिल जाएगा। सो अगर आपको वीडियो काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा IDFC फर्स्ट वाओ क्रेडिट कार्ड का पैकेज। ये कुछ इस तरह के हमारे पास डिलीवर किया जाता है। यहाँ पे आप ऊपर IDFC फर्स्ट बैंक का लोगो देख सकते हो और यहाँ पे फर्स्ट वाओ लिखा हुआ है। एक जो सबसे अच्छी चीज मेरे को यहाँ पे लगी ना कि जैसे ही मैंने इस क्रेडिट कार्ड को ऑर्डर किया, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर ही बैंक ने इस क्रेडिट कार्ड को हमारे पास डिलीवर भी कर दिया। नॉर्मली अगर हम किसी कार्ड को अप्लाई करते हैं तो 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं उसको डिलीवर होते होते, लेकिन यहाँ पे 2 से 3 दिन के अंदर कार्ड जो है वो घर पे आ भी गया। तो अब इसको हम ओपन कर लेंगे और देखते हैं अंदर हमारे को क्या क्या दिया हुआ है। सो पैकेट के अंदर हमें ये एनवेलप दिया गया है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये हमें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, एंटर अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज विद द फर्स्ट वाओ क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड मिलने की खुशी पे ये हमें यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, और इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैंक के बारे में, मतलब कार्ड के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे बताया गया है कि आपको इसको एक्टिवेट वगैरह कैसे करना है, और यहाँ पे आप देखोगे तो सेंटर में हमारा जो क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पे है। तो इसको हम निकाल लेते हैं और फिर मैं आपको सारी चीजें कार्ड के बारे में बता देता हूं। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये वाला कार्ड दिखा देता हूं। हमें यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिली है वो 2,000 रुपए की मिली है, और ये क्रेडिट कार्ड मंगवाने का रीजन ही सिर्फ वीडियो बनाने का था कि आपको क्रेडिट कार्ड दिखा सके, ये क्रेडिट कार्ड दिखने में कैसा है। और आपको ये क्रेडिट कार्ड जो है वो 2,000 के फिक्स डिपॉजिट में भी मिलता है, इसलिए मैंने इसको मंगाया है ताकि मैं आपको लाइव दिखा सकूं। अब जल्दी से देख लेते हैं क्रेडिट कार्ड को एक बार कि क्रेडिट कार्ड हमारा दिखने में कैसा है। तो ये रहा हमारा IDFC फर्स्ट वाओ क्रेडिट कार्ड का फर्स्ट लुक एंड फर्स्ट इंप्रेशन बोले तो कार्ड जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। मतलब कि नॉर्मल रेगुलर जो क्रेडिट कार्ड होते हैं वो थोड़े से दिखने में बोरिंग टाइप होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन यूज किया हुआ, जो डिजाइन है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब जल्दी से मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड का ओवरव्यू दे देता हूं। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पे वाओ लिखा हुआ है, और यहां पे आप IDFC फर्स्ट का लोगो देख सकते हो, यहां पर भी लोगो बना हुआ है। ये हमारा कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड है इसलिए यहां पे इसका साइन बना हुआ है। वीजा से पावर्ड है इसलिए यहां पे वीजा का यहां पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। यहां पे कार्ड होल्डर का नाम लिखा हुआ है और यहां पे बैंक का नाम लिखा हुआ है। वही अगर हम बैक साइड देखें तो यहां पे मैंने हाइड कर दिया है बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजंस। तो यहां पे आपको क्रेडिट कार्ड का नंबर देखने को मिलेगा, एक्सपायरी डेट देखने को मिलेगा, CVV मिलेगा। तो हमारा जो क्रेडिट कार्ड है वो कुछ इस तरह से है, और जो कार्ड दिख रहा है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है तो अच्छा लग रहा है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैंक आपको ये जो क्रेडिट कार्ड इशू करती है वो बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री इशू करती है। मतलब कि आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए ना कोई ज्वाइनिंग फीस देना है, ना ही कोई एनुअल चार्जेस देने हैं। लेकिन हर क्रेडिट कार्ड में ज्वाइनिंग एंड एनुअल फीस के अलावा भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं, जैसे कि फाइनेंस चार्ज। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है अगर आप टाइमली नहीं पे करोगे तो आपको देना पड़ेगा फाइनेंस चार्ज। इस क्रेडिट कार्ड का जो फाइनेंस चार्ज है वो वेरी करता है 9% पर एनम से लेके 42% पर एनम तक। तो मान लो अगर आप बैंक के बहुत अच्छे कस्टमर हो, आप हर बार क्रेडिट कार्ड का जो बिल है एकदम टाइमली पे करते हो, और मान लो एक आध बार अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो टाइमली नहीं पे किया तो हो सकता है कि आपका जो फाइनेंस चार्ज है वो कम लगे। वही अगर आप मान लो हर बार क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो लेट कर रहे हो, बार बार लेट कर रहे हो, तो हो सकता है आपका जो फाइनेंस चार्ज है वो ज्यादा लगे। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो टाइमली पे करिए, बिकॉज यहां पे जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो वो तो ज्यादा देना पड़ ही रहा है। साथ ही साथ आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है टाइमली नहीं पे करते हो तो यहां पे आपका क्रेडिट स्कोर है वो भी बहुत बुरी तरह से हैम्पर करता है। इसलिए हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है
वो बिल्कुल टाइमली पे करिए। वही अगर इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम कार्ड रिप्लेसमेंट फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड कभी डैमेज हो जाता है, गुम हो जाता है और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कराना पड़ता है तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 100 रुपीज का कार्ड रिप्लेसमेंट फीस। वही अगर इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फीस की यहाँ पे हम बात करें तो आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फीस जो है वो नहीं देनी पड़ेगी। नॉर्मली क्रेडिट कार्ड्स में अगर आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हो तो वहां पे आपको 3% 3.5% तक का फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फीस देना पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है अगर आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में, तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड मिलेगा वो है वेलकम बेनिफिट। जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा उसके फर्स्ट 90 डेज के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी ईएमआई ट्रांजेक्शन करोगे तो जितने भी अमाउंट का आप ईएमआई ट्रांजेक्शन करोगे उसका 5% आपको मिल जाएगा एज कैशबैक। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा वो 1000 रुपीज तक का ही मिलेगा। तो जैसे आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है तो अगर आप ईएमआई ट्रांजेक्शन कर लोगे तो 5% का जो कैशबैक है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल का बेनिफिट। नॉर्मली अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराते हैं तो जैसे ही आप कैश विड्रॉ कराओगे आपको उस अमाउंट का जो इंटरेस्ट है वो लगना शुरू हो जाएगा और जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी बहुत ज्यादा हैवी होता है। लेकिन अगर आपके पास आईडीएफसी फर्स्ट का वाओ क्रेडिट कार्ड है और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराओगे तो 48 डेज तक के लिए यहाँ पे आपको कोई भी इंटरेस्ट जो है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर आप 48 से 49 डेज में चले गए तो यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट लगने वाला है वो बहुत ही ज्यादा हैवी लगने वाला है। तो अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है तो आप 48 डेज तक का जो इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल है वो आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट। अब जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 150 रुपीज स्पेंड करोगे कहीं पर भी, चाहे वो ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, मतलब जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 150 रुपीज स्पेंड करोगे तो फॉर एवरी 150 रुपीज स्पेंड आपको मिलेंगे 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स। इस क्रेडिट कार्ड के एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो है 25 पैसा। और जो सबसे अच्छी चीज है कि आप इस क्रेडिट कार्ड में जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो ना वो कभी भी एक्सपायर नहीं होंगे, मतलब कि कोई टेंशन नहीं है कि आपको उनको रिडीम कराने का टेंशन है। हाँ, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान देना है कि आप जब भी अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कराओगे तो आपको 99 रुपीज का रिवॉर्ड रिडम्पशन चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। इसलिए ट्राई करो कि जब ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स हो जाए तभी आप उसको रिडीम कराओ, बिकॉज वो एक्सपायर तो होने वाले नहीं है। तो आराम से जब ज्यादा हो जाए तभी आप रिडीम कराओ, बिकॉज जब भी कराते रहोगे 99 रुपीज का चार्ज है वो आपको लगता रहेगा। और एक चीज का यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप फ्यूलिंग करा रहे हो, इंश्योरेंस में स्पेंडिंग कर रहे हो, ईएमआई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कैश विड्रॉल कर रहे हो, तो इन जगहों में स्पेंडिंग करने पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट जो है आपको नहीं मिलेगा। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिल रहा है ये क्रेडिट कार्ड के यूजेज को बहुत ज्यादा सिक्योर बना देगा। यहाँ पे आपको मिलेगा लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का बेनिफिट। मान लो अगर आपका क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह के फ्रॉड ट्रांजेक्शन होते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 25,000 रुपीज तक का कवरेज। लेकिन इस कवरेज को लेने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड गुम या चोरी होता है ना, उसके बाद इमीडिएटली आपको बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करके अपने क्रेडिट कार्ड का जो लॉस है वो आपको रिपोर्ट करा देना है। और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड होगा तो यहाँ पे आपको 25,000 रुपीज तक का जो कवरेज है वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ एट ऑल फ्यूल स्टेशन अक्रॉस इंडिया। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके फ्यूलिंग कराओगे किसी भी पेट्रोल पंप से तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ। और जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको एक मंथ में मिलेगा वो होगा 200 रुपीज तक का। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में कॉम्प्लीमेंट्री रोड साइड असिस्टेंस का भी बेनिफिट मिलेगा। इस बेनिफिट की अगर हम वैल्यू की बात करें तो वो है अप्रॉक्सीमेटली 1399 रुपीज का। क्या है ये बेनिफिट, मान लो अगर आप अपने कार में अगर हाईवे में कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपकी कार जो है वो खराब हो जा रही है, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, चाहे आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया हो, आपकी गाड़ी में किसी तरह का इशू हो, उसको टो करना पड़ रहा है, मतलब किसी भी तरह का अगर आपकी कार में प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री रोड साइड असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे ये आपको असिस्ट करेंगे, यहाँ पे आपको बनाने का एक्सपेंस नहीं दे रहे हैं। मान लो अगर आप अपनी कार को टो कराना पड़े तो ये टोइंग वैन आपको वहां पे पहुंचाने तक का असिस्टेंस देंगे। टोइंग वैन वाला जो चार्ज लेगा वो यहाँ पे आप ही को पे करना है। तो मतलब ये आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, मान लो रात के टाइम में कहीं ऐसे सिचुएशन में अगर आप फंसते हो ना तो ये वाला असिस्टेंस भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो भैया यहाँ पे आपके पेट पूजा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ पे आपको मिलेगा अप टू 20% का डिस्काउंट ऑन डाइनिंग। तो अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट्स में जाके अगर आप डाइनिंग करोगे और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो वहां पे
आपको मिलेगा अप टू 20% का डिस्काउंट। एंड इंडिया में 1500 से भी ज्यादा इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं, तो भैया नेक्स्ट टाइम जब भी डाइनिंग के लिए जाओ उससे पहले चेक कर लो कौन से आपके अगल बगल में इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं और फिर वहीं पर चले जाओ और अप टू 20% तक का जो डिस्काउंट है वो आप अवेल कर लो। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिल रहा है वो आपके हेल्थ से रिलेटेड है। एंड हमेशा कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, तो यहाँ पे इन्होंने आपके हेल्थ का भी पूरा ख्याल रखा है। यहाँ पे आपको मिलेगा अप टू 15% का डिस्काउंट एट 3000 प्लस हेल्थ एंड वेलनेस आउटलेट्स। तो अगर आप इनके पार्टनर हेल्थ एंड वेलनेस आउटलेट में जाकर स्पेंडिंग करोगे तो वहां पे आपको मिलेगा अप टू 15% का डिस्काउंट। तो भैया अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए और यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो भी साथ ही साथ अवेल कर लीजिए। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिल रहा है वो है इंश्योरेंस का बेनिफिट। एंड भगवान ना करे कि किसी को भी इस बेनिफिट को यूज करना पड़े, यहाँ पे आपको मिलेगा पर्सनल एक्सीडेंटल कवरेज ऑफ ₹2,00,000। तो इन केस ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट आपके फैमिली को यहाँ पे कवरेज मिलेगा जो कि होगा अप टू ₹2,00,000 तक का। तो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपका जो एज है वो 18 ईयर से ज्यादा होना चाहिए और यहाँ पे आपको एक फिक्स डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो अगर आप बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो जो मिनिमम फिक्स डिपॉजिट अमाउंट है वो ₹2,000 का होगा। अगर आप बैंक के नए कस्टमर हो तो यहाँ पर जो आपका मिनिमम फिक्स डिपॉजिट अमाउंट है वो ₹5,000 मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम दोनों केस में आप कितना भी रख सकते हो, जितना भी आप मैक्सिमम अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट कराओगे उतने का आपको यहाँ पे लिमिट मिल जाएगा। सो लगभग सारी चीजें हमने इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड इस वीडियो में कवर कर ली है। अगर अभी भी आपके मन में किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रहेगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।